गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है। गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है। गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है। ये जो हम नारा लगा रहे थे भी, कुलजीत जी और अशोक जी नारा लगवा रहे थे, ये नारा सिर्फ इसलिए नहीं कि नारा दोहराया जाए, इस नारे को ले जाकर घर घर बताना है, केजरीवाल का पर्दाफाश करना है कि कैसे करोड़ों की पर्दा लगाई, कैसे उन्होंने करोड़ों के मार्बल, विदेशी मार्बल लगाए, आम आदमी के नाम पर आज अपना राजमहल शीश महल बनाया है। ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा और केजरीवाल जी दिल्ली की जनता की टैक्स की गाली कमाई के पैसे को जो आपने बर्बाद किया है, इसका जवाब आपको, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आदेश जी। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, जो के अलग अलग राज्यों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए हर देश के कोने कोने जाते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट से लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज के इस अवसर पर इस 45 करोड़ के बंगले के सिर्फ रेनोवेशन के बारे में आप जानकारी देंगे। बंगला तो मनोज तिवारी जी का भी है, बंगला तो रामवीर भिदोड़ी जी का भी है, बंगला हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी का भी है, बंगला हमारे विजय गोयल जी का भी है, उन्होंने भी बनवाया है। लेकिन ये जो केजरीवाल बैठा है, देखो सामने बैठ, सामने बैठ, बुलाओगे तुम्हारे बंगले में, बुलाएंगे नहीं। लेकिन मनोज जी के, रामवीर भिदोड़ी जी के, विजय गोयल जी के, आदेश जी के बंगले में सभी मीडिया वालों को इनविटेशन है। मित्रों, मैं आप मनोज तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। दोस्तों, मुझे यहाँ आने में थोड़ा सा विलंब हुआ है और ये विलंब इसलिए हुआ कि इस समय मेरे घर में मीडिया कैमरे के साथ घुसी हुई है। मेरा जो आवास है, ये टाइम्स नाउ, नव भारत का कैमरा और भी कुछ लोगों के कैमरे इस समय जो 24 नंबर मदर टेरेसा क्रिसेंट है वहां पे मेरे घर के अंदर घुसे हुए हैं और हमने उनको घुसने की परमिशन भी दी है। अब इस समय चूंकि आप यहाँ खड़े हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदोड़ी जी यहीं खड़े हैं, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी यहीं खड़े हैं, हमारे आदेश गुप्ता जी सहित हर्ष मल्होत्रा जी, अशोक गोयल जी, कुलजीत चहल जी, राजन तिवारी जी, हमारे बड़े भाई मोहन सिंह बिष्ट जी सब यहीं खड़े हैं, आप धूप में यहीं खड़े हैं। लेकिन इस समय भी मैं जब घर से निकल के आया तो मैं उनको बोला हूं कि आपका मन करे तो मेरे किचन से लेके, मेरे बाथरूम से लेके, मेरे बेडरूम तक जहां जहां आपको कैमरा दौड़ाना है दौड़ा लो, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही। आज का जो ये प्रदर्शन यहां पर हुआ है, केजरीवाल जी ने जो 45 करोड़ रुपए का बंगला बनाया, किस प्रकार से उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने दुरुपयोग करते हुए अपने संसाधनों का, दिल्ली की जो जनता का पैसा था, एक एक पैसे का उन्होंने दुरुपयोग किया है। हम सब लोग आज इस प्रदर्शन के द्वारा उन्हें एहसास कराना चाहते हैं कि वो अपनी गद्दी छोड़े और इस प्रकार के दुरुपयोग बना करे। जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि मैं कोई बंगला नहीं लूँगा, कोई गाड़ी नहीं लूँगा, एक पैसा नहीं लूँगा, और वो व्यक्ति आज साधारण से घर में ना रहकर Z+ सिक्योरिटी भी ले रहा है, बंगला भी ले रहा है, गाड़ी भी ले रहा है, सब चीज़ें ले रहा है और उस बंगले के ऊपर स्विमिंग पूल भी बना रहा है, 45 करोड़ रुपए का इंटीरियर भी करा रहा है। मुझे लगता है कि देश की, दिल्ली को, देश की जनता के साथ साथ दिल्ली की जनता को तो बहुत जो है ध्यानपूर्वक उनसे पूछना चाहिए कि इस प्रकार की पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं इससे, जबकि क्षेत्र में कई सड़कें बन सकती हैं, उन सड़कों का निर्माण करा देंगे तो बहुत जनता को आराम होगा। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से
ये कहा कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। नैतिकता के आधार पर दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। आज अपने आप को पर्दे में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। 45 करोड़ के बंगले का रिनोवेशन किया है। एक बार तो मुझे लगा कि 45 करोड़ में कोई नया मकान खरीदा होगा, क्योंकि 45 करोड़ में रिपेयर ऐसा तो सुनना असंभव है। ये सिर्फ नैतिकता का मामला नहीं, भ्रष्टाचार का भी मामला है। और पर्दे के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री कितना भी छुपा लें अपने आप को, लेकिन वो दिल्ली की जनता के सामने नंगे हो चुके हैं और दिल्ली की जनता अब उनको माफ करने वाली नहीं है। पानी के लिए वैसे ही तरस रहे हैं, छोटी मोटी चीजें, किसी को 200 यूनिट बिजली देके किसी को पूरा मौत बांट दिया, गंदे पानी के रूप में, गंदी हवा के रूप में, और अपना घर शीश महल बना रहा है। तो मेरा, हम सब का उद्देश्य ये है कि जो दिल्ली की जनता को झूठ बोल करके तुम गद्दी को कब्जा किए हो, इसको, इसकी जड़ हिला देंगे हम लोग, और ऐसे अरविंद केजरीवाल की सच्चाई दिल्ली के प्रत्येक जनजीवन को पता होगा। सर, आम आदमी पार्टी कह रही है जब पीएम मोदी को नया महंगा आवाज दिया जा सकता है, तो मैंने तो प्रधानमंत्री का आवास 1947 से वैसे ही है। प्रधानमंत्री के आवास में एक बिल्डिंग नहीं बड़ी है। और प्रधानमंत्री हमारा दुनिया का सबसे सुरक्षित रखने वाला, सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री तो अपने किचन का खर्च भी खुद चला रहा है। अरे अरविंद केजरीवाल, उस तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ जब ये तुम तुलना करते हो प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री अपने किचन में भी अपनी चावल, अपने दाल, अपनी जो भी खाना खा रहे हो वो अपने वेतन से खा रहे हैं, और तुम वियतनाम का मार्बल मंगा के लगा रहे हो। ये दिल्ली की जनता इस सच्चाई को जानने के बाद तुम्हें सजा दी। कि ये 5 रुपए का कलम क्यों दिखाया था, आम आदमी क्यों बोला था 2 कमरे में रहेंगे, मतलब आपने दिल्ली को धोखा देने के लिए ये काम किया। और अगर दिल्ली को धोखा देने के लिए काम किया तो धोखा लेकर के जिस कुर्सी पर बैठे हो उस कुर्सी पर बैठने का तेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने धोखा देने के बाद अपनी विलासिता, अपनी अय्याशी का जो छुपा के रखा उसका प्रदर्शन टाइम्स नाउ नव भारत ने कर दिया है। 1.5 करोड़ के पर्दे से अरविंद केजरीवाल तुम घर ढक सकते हो, लेकिन जनता के सामने नंगे हो चुके। ये प्रदर्शन दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपनी मुख्यमंत्री रहते हुए आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी की बात करते थे, आम आदमी की बात करते थे, आज अपने घर को बनाने के लिए, अपने बंगले को बनाने के लिए 45 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद किया है, खर्चा किया है, और ऐसे समय किया है जिस समय दिल्ली को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री की, दिल्ली सरकार की, कोविड के समय। और नियमों का उल्लंघन किया, नैतिकता उन्होंने तोड़ी है, जो ये कहते थे ना मैं गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा, ना सुरक्षा लूँगा, वही मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी बात से पलट जाते हैं, नैतिकता का उल्लंघन करते हैं और नियमों का भी उल्लंघन करते हैं। कि अरविंद केजरीवाल जब सड़क के ऊपर कुत्ता चलता है और वो फैसला नहीं कर पाता है कि मैं बाएं जाऊं या दाएं जाऊं, तो कुत्ता एक्सीडेंट में मर जाता है। अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी राजनीतिक मौत भी इसी तरह से होगी। आज मैं ऐलान कर रहा हूं, दिल्ली विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को क्वेश्चन नहीं पूछने दिए जाते हैं। हम विधानसभा के अंदर क्वेश्चन
लगा नहीं सकते, उसके ऊपर रोक लगा दी। दो बार दिल्ली सरकार बोला थी किराया माफ करूंगा, वो भी किराया नहीं माफ किया, बिजली भी माफ किया। वो बार दोबारा बोला थी 5,000 रुपए इलेक्शन के बजाय पत्रकारों से डालना, वो भी नहीं डाला। पेंशन बोला लॉकडाउन में 5,000 से 15,000 रुपया दूंगा, वो भी नहीं दिया। हॉस्पिटल में धाते थाते हैं हम, दवाई नहीं मिलती है। और दूसरी बात है थी, पेंशन पर अपना पब्लिक थे, अपना पार्टी थे, पेंशन बढ़ाते दे रही है 3,000 रुपया, हम लोग थे 2,000 रुपया दे रहे, विकलांग थे, बस वाला भी बैठने नहीं दे रही है हमारे। तो केजरीवाल ऐसे कर रही है, अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली को मोहम्मद गोरी ने भी लूटा, गजनी ने भी लूटा, अहमद सादाली ने भी लूटा, तैमूर लंग ने भी लूटा, इस दिल्ली को अंग्रेज ने भी लूटा, उसके बाद कांग्रेस ने भी लूटा है, और इस दिल्ली को तुम भी लूट रहे हो। लेकिन एक बात की चिंता करना कि आज देश का प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी है। पाताल में जाके छुप जाना, पाताल से भी तुम्हें ये भाजपा कार्यकर्ता तुम्हारी टांग पकड़कर जिस बिल में तुम घुसोगे उसमें से निकाल कर लाएगा, और तुम्हें तिहाड़ जेल तक तुम्हारे गले में जूतियों की माला पहनाकर काले गधे पर बैठाकर छोड़ कर आएगा। यह ऐलान हम लोग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली को बर्बाद नहीं होने।